हेलो वेलकम गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इनकेसिंग पाइप कुलवर्ट क्वांटिटी कैलकुलेशन। हमारे व्यूवर्स ने कैलकुलेशन मांगी थी कि इनकेसिंग पाइप अगर होता है तो उसकी क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो बहुत दिनों बाद आए हैं, आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, हमारे HPC जो है उसकी बैरल लेंथ हमने वही रखी है 12,500 mm, हाइट भी वही है 2480 mm, और सेक्शन की बात करें तो फर्स्ट लेप 650, पाइप पोर्शन जो है वो 1230 और टॉप पोर्शन 600। ठीक है, डायमीटर पाइप का 1000 mm, अंदर की बात करें तो बाहर हो गया 1230। ठीक है, हमने इसको सब अलग अलग तरह से डिफाइन किया हुआ है, L1, L2, L3, L4, और यहाँ पे जो है ना, ये अगर किसी को विड्थ निकालनी नहीं आती हो तो ये विड्थ भी निकाल के हेड वॉल की स्लोप पोर्शन की वो बताया हुआ है। ठीक है, टोटल क्वांटिटी कैलकुलेशंस के लिए कितने प्रोसीजर यूज़ करनी है आपको, 1, 4, 5, 8 और 9 टोटल क्वांटिटी कैलकुलेशन करके हम बताएंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले स्टेप वन है, स्टेप वन में आपको क्वांटिटी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहला जो है ना, ये कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, विड्थ। तो विड्थ के लिए फॉर्मूला वैसे मैंने पुराने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, लेकिन इस बार भी बता देता हूँ। ठीक है, टोटल आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो है ना कितनी है, 850, और टोटल हाइट कितनी है इसमें 2480, जो कि यहाँ दी हुई है 2480। ठीक है, टोटल हाइट है ना, तो स्लोप निकल गया, पर मीटर स्लोप हो गया ये। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जिस हाइट पर हमको चाहिए उस हाइट पे मल्टीप्लाई कर देंगे। कहाँ पर चाहिए हमको, इस हाइट पर चाहिए 400 की हाइट पर। ठीक है, 400 की हाइट पे चाहिए, है ना, क्योंकि इसके बाद हमने आगे वो लिया हुआ है। ठीक है, 650 से पहले है ना? क्या यहाँ कंक्रीट है, यहाँ कंक्रीट है, बीच में पाइप है, इस वजह से। ठीक है, तो क्वांटिटी कैलकुलेशन समझ लीजिए आप, यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है वैसे, है ना, 400 टेपर स्ट्रेट पोर्शन भी 400 है और हाइट भी 400 है। ठीक है, और टोटल जो टेपर्ड पोर्शन है वो कितना है, 850। ठीक है, 850 में स्लोप है, तो ये 137 कैसे आया वही हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कर लिया था, इसके बाद आगे सब्स्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से डायरेक्ट 850 में से, और उसके बाद जो है ना ये 400 ऐड कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, 1113 mm, जो कि हमने इसमें यहाँ बताया हुआ है। ऐसे ही हमने इसकी और इसकी कैलकुलेशन भी की हुई है, हम आपको ले चलते हैं वहाँ पे आगे। ये सेकंड में हमने ये 1027 की कैलकुलेशन की हुई है यहाँ। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं 1027 कैसे आया यहाँ पर 650 हाइट पर। ठीक है, 650 हाइट पर 1027 आया, जैसे आपको एक बार समझा दिया, नेक्स्ट आप इसको कैलकुलेट खुद कर सकते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड के बाद थर्ड में कितना है, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 1880। इसके लिए टोटल हाइट नहीं, सिर्फ जो निकाल रहे हैं कैलकुलेशन जिसके लिए कर रहे हैं, 606 कहाँ के लिए होगी, यहाँ से यहाँ तक के लिए, इस हाइट के लिए टोटल हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 2480। ठीक है, तो ये वाला हो, इसका कितना निकलेगा, 606। अब इसका ये 503 का कैलकुलेशन भी हमने किया हुआ है, कैसे आएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हाइट कितनी हो जाएगी, 2180। 2180 कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से शुरू होगी 2180 फिर यहाँ तक, ये ठीक है, यहाँ तक टोटल हाइट तो 2480 है, तो ये
ठीक है, फर्स्ट का कैलकुलेशन समझाया था, सेकंड थर्ड फोर्थ समझ में आपको आ जाना चाहिए। अगर नहीं आए तो पुराने वीडियोस में हमने अच्छे से बताया हुआ कि ये कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं वीडियो में। अब आ जाते हैं क्वांटिटी कैलकुलेशन। पाइप बॉटम बोले तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन की क्वांटिटी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। इस क्वांटिटी इसकी कितनी थिकनेस में है, ये 250 mm में है। 250 mm के लिए हम देखेंगे। ठीक है, 250 mm के लिए जैसे कि हमको यहाँ पर देखना है, तो इसके लिए हमको L1 और L2 की ज़रूरत होगी। L1 L2 क्या है यहाँ पर, L1 ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, L2 यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। तो बैरल लेंथ कितनी है, 12,500 है। तो हम क्या करेंगे, इस विड्थ को और यहाँ की विड्थ, हमने दोनों हेडवाल की सब कुछ सेम लिया हुआ है। वैसे अलग अलग ड्राइंग्स होती हैं, उनमें अलग अलग चेंजेस होते हैं इनकी, दोनों हेडवाल्स की अलग अलग विड्थ भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है, हमने सेम लिया हुआ है। लेकिन तो L1 के लिए क्या है, ये दिख रहा है 12,500 है, तो 12.5 मीटर और 1.113 माइनस किया 10.274, ये आ गया L1 यहाँ से यहाँ तक। L2 भी ऐसे ही सेम रहेगा। ठीक है, L2 आप निकाल सकते हैं अब यहाँ से, कैसे 1027 दिया हुआ है, 1027 को माइनस कर देंगे 12.5 मीटर से, तो 10.446 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही L3 भी है, L4 भी है। अभी हमें L1 L2 की बात करेंगे। तो L1 L2 ठीक है, पाइप पोर्शन की विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ के लिए आप क्या करेंगे कि जैसे मैंने ड्राइंग है उस ड्राइंग में समझिएगा, नहीं तो बाकी ऐसा है कि विड्थ 1.7 मीटर, जैसे कि आपको ये डायग्राम है, इस डायग्राम में शो हो रहा है 1.7 मीटर। ठीक है, ये 1.7 मीटर शो हो रहा है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और हाइट तो दी हुई है। ठीक है, 0.25 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 250 mm, तो 0.25 mm हो जाएगा, 0.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी कैलकुलेशन देख लेते हैं। L1 L2 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, ये भी है, ये भी है, तो क्वांटिटी कैलकुलेशन की तो 4.4807 mq आ गए। ठीक है, सेकंड स्टेप पर आते हैं, पाइप पोर्शन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। पाइप पोर्शन का कैलकुलेशन के लिए ये रहा पाइप पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक ये पाइप पोर्शन है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करना है, तो इसके लिए L2 और L3 की ज़रूरत है। L2 तो आपको पता है, L3 भी आपको पता है कैसे निकलेगा, वही 12.5 मीटर में से आप 0.606 को डिवाइड माइनस कर देंगे तो 11.288 आ जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको। तो L2 और L3 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो इसकी लेंथ पता चल जाएगी। ठीक है, ये रही। ठीक है, विड्थ और हाइट, तो विड्थ कितनी है, विड्थ हम वही लेंगे इसमें जिसे हमने उस डायग्राम में लिया था, 1.73। ठीक है, 1.73 मीटर के लिए हम इसमें करेंगे सिंगल रो के लिए, है ना। हाइट इसमें वो हाइट यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल हाइट 1.23 मीटर में। ठीक है, इस हाइट के लिए हम पाइप पोर्शन इतने में है हमारा, इस पोर्शन के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला नहीं, ऐसे करके इसकी क्वांटिटी कैलकुलेशन ये निकल गई। अब पाइप रिडक्शन करना है, पाइप रिडक्शन कैसे करेंगे आप, पाइप रिडक्शन के लिए पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, तो यहाँ पे अपना एल है, एल एल टू और एल थ्री, एल टू एल थ्री है हमारे पास, वो कर लेंगे। ठीक है,
यहाँ ये हुआ, डायरेक्ट क्वांटिटी आ गई। फिर क्या करेंगे, 2 में से 3 को माइनस कर देंगे तो ये क्वांटिटी निकल जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे किसकी, पाइप टॉप की। पाइप टॉप खोले तो इस पोर्शन की, ये वाला जो पोर्शन है, इतनी क्वांटिटी हमको निकालनी है। इतनी क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, L3 प्लस L4। अब यहाँ पे L4 दिया हुआ, L4 कैसे, 503, यहाँ से यहाँ तक की विड्थ 503 है। ठीक है, इसकी किसकी, हेडवाल की। तो 12.5 मीटर में से इसको और इसको माइनस कर देंगे 2 बार तो यानी कि 11.494 जाएगा, है ना। तो विड्थ कितनी है, 1.73 और 0.3 इसकी हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हाइट क्या है, 0.3 मीटर में। ठीक है, तो क्वांटिटी कैलकुलेशन निकल कर 5.911929 एमक्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद की क्वांटिटी हेडवाल क्वांटिटी। हेडवाल क्वांटिटी तो आपको निकालना आता ही है, मेरी पुरानी वीडियोस दी हुई हैं उसमें देख सकते हैं आप। यहाँ पे हेडवाल की क्वांटिटी निकाली है, यहाँ पे हेडवाल का जो पाइप होता है सिर्फ उस पाइप को डिडक्शन किया है। ठीक है, इसके बाद 6 में से 7 को माइनस किया। इसके बाद PCC की क्वांटिटी भी आप निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।